हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2-3 वीडियो और बना रखा हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 10th प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के लाई करेंगे? तो इसमें सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा 10 के बाद जो 4 का होगा, वो क्या होगा? 4 3 जो क्या होता है 12, तो 12 होगा। नेक्स्ट क्या होगा 16, फिर 20, सो ऑन। अब आपको लास्ट देखना है तो 250 के जस्ट पहले चेक करते हैं 249, तो 249 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 248 पे चेक करते हैं, तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। तो 248 4 के टेबल में आ जाएगा। देखिए 4 6 24, 4 2 8, तो जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा 248, जो कि 4 का मल्टीपल है। अब आपको ये बताना है ऐसे कितने नंबर्स है, इट मीन्स आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो AP का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d, और an क्या होता है nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ एन AP। तो यहाँ पे क्या है 248 इज इक्वल टू ए क्या है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है 4। ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, फिर ये 4 क्या होगा 236 के डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या होगा 236 बाई 4 इक्वल टू एन माइनस 1, 4 से कट करेंगे 4 5 जा 20, 3 बच गया 4 9 जा 36, तो 59 इक्वल टू क्या हो गया एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर माइनस 1 इधर क्या होगा प्लस 1, तो 60। तो ऐसे 60 नंबर हैं 10 और 250 के बीच में जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं। नंबर सेकंड ये दिया हुआ है, द 7th टर्म ऑफ एन AP इज माइनस 4 एंड इट्स 13th टर्म इज माइनस 16, फाइंड द AP। तो ये सब क्वेश्चन मैथ्स बेसिक में ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। तो 7th टर्म ऑफ एन AP, तो जानते हैं nth टर्म क्या होता है, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म यही होता है। तो यहाँ पे a7 क्या होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो a7 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 6d, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या था 7 था, तो 7 टर्म आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a प्लस 6d, और 7 टर्म का वैल्यू दे रखा है माइनस 4, तो लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू माइनस 4। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, वैसे ही दूसरा इक्वेशन ऐसे बनाएंगे। देखिए 13 टर्म इज माइनस 16, तो 13 टर्म क्या होगा a प्लस 12d, तो लिखेंगे a प्लस 12d इक्वल टू माइनस 16। इसको सेकेंड इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो किसी को किसी से माइनस कर सकते हैं, तो इसको इससे माइनस करें, मतलब फर्स्ट माइनस टू करेंगे। देखिए a से a क्या होगा, सबका साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, तो a से a क्या होगा कट जाएगा, फिर 6d माइनस 12d, तो क्या हो जाएगा माइनस 6d और इक्वल टू माइनस 4 माइनस माइनस 16, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6d इक्वल टू माइनस 4 माइनस माइनस क्या होगा, तो ये क्या होगा माइनस 6d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 6 इधर डिवाइड में जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो d निकल गया माइनस 2। अब माइनस 2 इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा a, तो a इक्वल टू a प्लस किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं 6 × -2 इक्वल टू माइनस 4, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू माइनस 4, माइनस 12 उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 - 4, तो a इक्वल टू क्या हो गया 8, तो फर्स्ट टर्म AP का क्या हो गया 8, सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस d, तो 8 प्लस माइनस 2 तो 6, नेक्स्ट क्या होगा फिर 6 प्लस कर देंगे माइनस 2 तो क्या हो जाएगा ये 4, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं AP को। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx × x - 2 + 6 = 0 आर इक्वल। तो रूट्स कब इक्वल होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है d, और d क्या होता है b² - 4ac = 0 होना चाहिए, तो रूट्स क्या होता है इक्वल होता है।
तो इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए के एक्स इंटू एक्स क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू माइनस टू, तो माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। अब इसको कंपेयर करते हैं, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो क्या होता है, ए होगा यहाँ पे। तो ए क्या है यहाँ पे, के, और एक्स का जो कोफिशियंट है मल्टीप्लाई में वो क्या होता है, बी। तो बी क्या है यहाँ पे, माइनस टू के, और सी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट सिक्स। तो ए बी सी पता चल गया। अब इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है यहाँ पे, के, और सी की जगह पे क्या रख देंगे, सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो टू के का स्क्वायर क्या होगा, फोर के स्क्वायर, और माइनस तो हट जाएगा क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर है माइनस हट जाता है। और फिर क्या है, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर के इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या ले लेते हैं, फोर के कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, के माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बार लिख सकते हैं 4k इक्वल टू ज़ीरो और k माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। देयर फोर के इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है और k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो ज़ीरो को नहीं ले सकते हैं, ज़ीरो क्यों नहीं लेंगे, इसका रीज़न है ये कि अगर ज़ीरो को यहाँ पे पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो इंटू जो भी इक्वेशन आएगा, तो ये कम्प्लीट पूरा क्या हो गया, फर्स्ट पूरा ज़ीरो, और तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6। तो 6 इक्वल टू ज़ीरो ये पॉसिबल नहीं, ये एक एब्सर्ड इक्वेशन है। तो 6 नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो इसलिए ज़ीरो को नहीं लेंगे k का वैल्यू। तो क्या लेंगे, k इक्वल टू 6, तो हैंस k इक्वल टू 6। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, एक सर्कल का इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है CBSE एग्जाम में। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि एक सर्कल गिवन है और इसका यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेंजेंट सपोज कर लेते हैं, ये ए भी एक टेंजेंट है और इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है ओ, और ये ए भी टेंजेंट सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट पी पे मीट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि गिवन में लिखना पड़ेगा, तो गिवन यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट पी। इसके बाद गिवन के बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको, टू प्रूव। तो टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव में लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये प्रूफ में लिखेंगे। आपको ये प्रूफ करना है, ये ओ पी है परपेंडिकुलर किसके, ए बी के। इसमें कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन ए बी, एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं किस पे, ए बी पे, अदर देन पॉइंट पी के अलावा। और फिर क्या लिखेंगे, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन ए बी अदर देन ए पी एंड ज्वाइन ओ क्यू, इस ओ को क्यू से ज्वाइन करेंगे और इस ओ को पी से ज्वाइन करना है। तो देखिए क्वेश्चन में बस आपको यही प्रूफ करना है कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। तो कंस्ट्रक्शन में ये लिखने के बाद फिर प्रूफ में लिखेंगे, क्या प्रूफ में आपको ये करना है, तो इसको देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, और इसको यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं इसको आर ले लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल को। तो सिंपल प्रूफ है इसका, ओ क्यू OQ जो होगा वो ग्रेटर क्या होगा, OR से। अब क्यों होगा, तो ये देखिए OQ ये पूरा लेंथ है और OR बस इतना ही लेंथ है, तो OQ क्या होगा, वो ग्रेटर किससे होगा, OR से। तो इसमें ये लिखेंगे एज पार्ट इज लेस देन होल, इसका रीजन यही लिखेंगे, एज पार्ट इज लेस देन होल, क्योंकि एक छोटा टुकड़ा जो होगा वो कंप्लीट से क्या होगा, वो हमेशा कम होगा। तो ये लिख लिए। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ओ आर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ आर के जगह पे ओ पी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले लिख देंगे ओ पी इक्वल टू ओ आर रेडियाई ऑफ सर्कल,
ओपी इक्वल टू और लिख दिया रेडियाई ऑफ सर्किल, और इसको इक्वेशन आप वन ले लेंगे, इसको टू ले लेंगे, और जहां भी ओ आर है तो यहां पे क्या लिख सकते हैं ओपी, तो ओपी लेस देन क्या हो जाएगा ओ क्यू, और इट मीन्स बोल सकते हैं कि ओ क्यू जो है वो क्या है ग्रेटर है किससे ओपी से। तो यहां पे अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं इस ए बी पे, अगर सपोज कि यहां लेते हैं कोई भी पॉइंट लेंगे, तो वो जो लाइन होगा वो हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, और ओपी हमेशा क्या होगा वो छोटा होगा। तो यहां से ये पता चलता है कि ओ क्यू जो है वो ग्रेटर किससे है इस ओपी से। तो यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड उसके बाद रीजन क्या लिखेंगे वी नो डैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी। बस इतना ही लिखना है इसमें, आपको बस ये प्रूफ करना है कि ओपी क्या एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहां पे बता दिए कि ओक्यू क्या हो गया ग्रेटर है ओपी से, हेंस ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी, यही प्रूफ करना था। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, तो ये क्या सीबीएसई सैंपल पेपर में भी है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसका भी सिंपल है, आपको बस एक सर्कल दिया हुआ है, लेकिन जितना भी प्रूफ वाला है उसमें सब में आपको लिखना पड़ेगा गिवेन टू प्रूफ जो प्रूफ करना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, तो क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है स्टेप मार्किंग होती है, अगर गिवेन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन ये सब भी लिख देंगे तो उनके भी एक से डेढ़ नंबर आपको मिल जाता है। उसके बाद तो इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रूफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, ये प्रूफ करना है कि एक सर्कल है और इसके सपोज कर लेते हैं ये एक डायमीटर दिया हुआ है, क्या ए बी एक डायमीटर है और इस डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, आपको बस प्रूफ करना है। सपोज कर लेते हैं ये टेंजेंट एक ई एफ है और इसका मान लेते हैं पी क्यू ले लेते हैं, आपको बस सिंपल ये प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू पी क्यू। तो इसमें भी वही लिखेंगे गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ई एफ एंड पी क्यू आर द टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, ये गिवन में। टू प्रूफ में लिखेंगे ई एफ, आपको ये प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू पी क्यू, ये टू प्रूफ में आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, और आपको प्रूफ करने के लिए बस ये देखना होगा, लिखना पड़ेगा, फिर लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे कि ओ ए इज द रेडियस, देखिए ओ ए क्या है ओ ए इज रेडियस और ई एफ इज टेंजेंट, ई एफ क्या है टेंजेंट है और ओ ए रेडियस है, वी नो डैट लिखेंगे वी नो डैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, ये लिखने के बाद ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, देयरफॉर एंगल ओ ए एफ, ओ ए एफ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अगर ओ ए एफ 90 डिग्री है तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि एंगल बी ए एफ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ओ ए एफ ये लिखें या बी ए एफ ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली इस केस में ओ बी इज द रेडियस, फिर लिखेंगे ओ बी इज द रेडियस एंड पी क्यू इज द टेंजेंट, देयरफॉर ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो वैसे ही क्या हो जाएगा ओ बी पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 और ये भी क्या हो गया 90, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंप्लीट लेके ए बी पी, ए बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि ये वाला एंगल्स बी ए एफ और ए बी पी दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, तो लिखेंगे कि सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल, तो बस यही लिखना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गया, तो इसमें लिखेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल हेंस ये पैरेलल टू पी क्यू। हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं चैप्टर वाइज, जिसका आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसमें क्या होता है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो इसको ये कब यूज करते हैं, जब रूट्स निकालने के लिए, तो x की दो वैल्यू निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ए बी सी आपको पता ही है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, बी क्या होता है x का कोफिशियंट, और सी कॉन्स्टेंट नंबर। इसमें पुट करके आप किसी भी नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, आप मिडिल टर्म ब्रेक करके भी रूट्स निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में एक तो ये रहेगा, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा ही। नेचर ऑफ रूट्स, इसमें क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और डी इक्वल टू जीरो, रूट्स आर इक्वल, और डी लेस देन जीरो, तो नो रियल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो जितने भी क्वेश्चन आएगा पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, फिर उसका डी देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है, जीरो आ रहा है, या लेस देन जीरो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो हम कुछ फॉर्मूला एपी का देखते हैं, जो एपी में क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है nth टर्म निकालने का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, nth टर्म ऑफ एन एपी। उसके बाद से फॉर्मूला होता है सम निकालने का फॉर्मूला, एस एन बोलते हैं, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। और ये तो पता होगा, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, sn क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ap, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ap। और sn बराबर एक और फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो ये दो फॉर्मूला है सम निकालने का यूज होगा, और an क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू n टर्म ऑफ एन ap। स्टैटिक्स में क्या है, मीन मीडियन मोड, इनसे क्वेश्चन आएंगे, और ये 8 मार्क्स का आएगा, तो काफ़ी वेटेज है स्टैटिक्स का। और तो मीन का क्या होता है फॉर्मूला, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये मीन का होता है। और एक एज्यूम मीन मेथड से भी मीन निकालते हैं, तो उससे अगर बोले तो समेशन मीन का क्या होगा, ए प्लस, ए क्या होता है एज्यूम मीन, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ये क्या होता है एज्यूम मीन। तो उससे भी मैं क्वेश्चंस करा रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड से कैसे निकालते हैं, नॉर्मल डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। फिर इसके अलावा क्या है, मीडियन, मीडियन का क्या होता है फॉर्मूला, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ होल मल्टीप्लाइड बाई एच। इसमें क्या होता है एल, एल क्या होता है लोअर लिमिट मीडियन क्लास का, एन बाई टू जितने भी जो फ्रीक्वेंसी आते हैं सम करके उनका क्या करते हैं हाफ करते हैं, वो क्या होता है एन बाई टू। और ध्यान रखना है सी एफ कौन सा लेते हैं यहाँ पे, तो जो भी मेरा मीडियन क्लास होगा उसके जस्ट ऊपर वाले क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और एच क्या होता है क्लास साइज। तो ये मीडियन का हो गया। और मोड, मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन या एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू होल मल्टीप्लाइड बाई एच। तो ये होता है मोड का फॉर्मूला। एल क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास कैसे देखते हैं आपको पता ही था, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं उससे निकालते हैं, एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन। और एफ वन आपको पता ही है जो भी मॉडल क्लास होता है उसके सामने वाला जो क्या होता है F1, इसके जस्ट पहले वाला क्या होता है F0, और इसके जस्ट बाद वाला क्या होता है मॉडल क्लास के F2। तो इस तरह से आपको इसमें पुट करना है, और H क्या होता है क्लास साइज। तो इन तीनों का इसको अच्छे से देख के आप जाइए। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उससे 7 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन तो रहना ही कम से कम। इसमें क्या रहेगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा वो वैल्यू याद होना चाहिए सबका। तो एक तो आपको बताया था कि पंडित बद्रीनाथ पटेल हर हर भोले, ये क्या होता है पंडित बद्रीनाथ पटेल हर हर भोले, ये क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या होता है टैन थीटा। तो ये तो आप याद करके जाइएगा, पंडित बद्रीनाथ पटेल हर हर भोले, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टैन थीटा क्या होता है पी बाई बी, इसका तो मस्ट है। उसके अलावा आपको वैल्यू याद होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा टैन का है, टेन और साइन ज़्यादा यूज तो इससे हो जाएगा आपका काम। जैसे टेन थर्टी का वैल्यू पता होना चाहिए, वन बाई रूट थ्री होता है, और टेन सिक्सटी जस्ट इसका उल्टा क्या होगा रूट थ्री। तो टेन थर्टी और टेन सिक्सटी टेन फोर्टी फाइव क्या होता है वन होता है, वैसे ही साइन थर्टी क्या होता है वन बाई टू। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपको
होना चाहिए यार। इसके अलावा मैं 100 ट्रिक्स भी बता रखा हूँ कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भूल जाए तो उसको कैसे लिख सकते हैं पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल की। तो 4-5 मिनट की वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कैसे लिखा जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, इन सब पे भी क्वेश्चंस बता रखा हूँ, और पूरी जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन जो है 3 से 4 नंबर का आएगा, 3 to 4 मार्क्स, और उसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट कैसे बनाते हैं। कोई एक पॉइंट दे देता है इधर, बस आपको यहाँ से जैसे कोई पॉइंट लिए तो इनका आपको बाइसेक्ट करते हैं यहाँ से मोर देन हाफ का आर्क लेके, और इसको फिर मिला देते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत सारा बना रखा हूँ, वीडियो में आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का इस तरह से हम एक्सटर्नल पॉइंट से एक तो आएगा ही क्वेश्चन, और में रहेगा हो सके आपको डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि कोई एक लाइन दे देगा 5:3 रेशियो दे देगा और बोलेगा कि इनको डिवाइड कीजिए। तो ये भी सिंपल है तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, एक सीधे ही लाइन खींच लेना जितने सेंटीमीटर का बोलेगा वो। अगर सपोज के लिए 10 सेंटीमीटर का एक लाइन है, आप ड्रॉ कर लीजिए 10 सेंटीमीटर का, और इस पे क्या करेंगे 5:3 में डिवाइड करना है। तो आपको एक कोई भी एक्यूट एंगल बना लीजिए इस तरह से, और इस पे क्या करेंगे 5+3 क्या होता है 8 पार्ट, तो 8 पार्ट इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद से आपको लास्ट पार्ट को इससे बस ज्वाइन कर देना है, और क्या करते हैं अगर सपोज के लिए 5:3 है तो 2, 2, 4 यहाँ पर आके और यहीं से लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ये रिक्वायर्ड हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट आता है। अब ये लाइन पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे, जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ आर्क रख के, एक आर्क इधर और यहाँ पे रख के एक कट करेंगे। तो दो टाइप का क्वेश्चन ही आएगा, एक डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, इंटरनली आ रहा है, एक्सटर्नली नहीं आएगा, और आपको ये क्वेश्चन आएगा टेंजेंट ड्रॉ करने का। तो कंस्ट्रक्शन में बस ये है, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूरी है लिखना। वॉल्यूम के भी 7-8 नंबर के लगभग में आएंगे क्वेश्चन, तो उसमें आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है। तो ये पूरा का वीडियो मैं बना रखा हूँ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर। तो किसी पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, किसी को मेल्ट करके कुछ और बनाया जा रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, या उनका वॉल्यूम निकालने के लिए कर्व सर्फेस, टोटल सर्फेस एरिया। तो आप देख लीजिएगा इसमें टोटल फॉर्मूला तो उसका याद होना चाहिए, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, ये सब का याद होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको मीन मीडियन मोड में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो मीन मीडियन मोड में जो 8 मार्क्स का आएगा, एक तो डायरेक्ट दे सकता है कि मोड निकालिए इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगर डायरेक्ट नहीं दे मोड मीन नहीं देगा, एक क्वेश्चन तो देगा डायरेक्ट, अगर वो नहीं रहेगा तो आपके क्या रहेगा, और में मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स एक निकालना पड़ेगा, जैसे एक्स लिख देगा कोई भी फ्रीक्वेंसी, इसका फाइंड करना, कभी कभी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो दो वाले का ज़्यादा चांस स्टैंडर्ड वाले का है, लेकिन बेसिक जिनका है उनका एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। अगर एक दे देगा F1 या X उसकी वैल्यू निकालने के लिए, वैसे ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप मोड में भी पूछ सकता है। तो इस तरह का है, और आप देख सकते हैं 2-3 फॉर्मेट ही है इसका। सर्कल है, तो सर्कल चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक थ्योरम प्रूफ करने के लिए रहेगा। तो मैं दोनों थ्योरम करा ही दिया हूँ कि द लाइन ड्रॉन, ये दो थ्योरम आपको बता रखा हूँ, इसको देख लीजिएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है इनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे दो ट्रायंगल को लेके, RHS क्राइटेरिया का यूज़ करके दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे रहे थे, और CPCT से क्या हो रहा था, ये दोनों इक्वल हो रहा था। तो इसको करा रखा हूँ, और दूसरा आज करा ही दिया था वो जो क्वेश्चन था, तो वही दो थ्योरम्स आ सकता है इसमें, और जो अभी कराया था ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ से जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यही दो सिलेबस में है CBSE के अकॉर्डिंग, यही दो थ्योरम है। तो ये हो गया, उसके बाद से लेंथ निकालने के लिए पूछ रहा है, जैसे कि AB का लेंथ निकालिए इस तरह का, BC इस तरह का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका चांसेस ज़्यादा है पूछने का। जैसे एक सर्कल दे दे रहा है, इसका सपोज के लिए यहाँ पे 8 दे दिया, 5 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो पूछ लेगा इसका लेंथ क्या होगा या इसका लेंथ क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सर्कल में पूछा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है किसी भी चैप्टर का तो आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।